हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। में हम अभी पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, मतलब एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई कैसे निकालना है। ठीक है, उस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं आज। रिजोल्व मतलब एक फोर्स के दो फोर्सेस बनाने, कोई भी फोर्स होगा उसको एफ ऑफ एक्स निकालना है और एफ ऑफ वाई निकालना है। रिजोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इनटू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स मतलब एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आपको निकालना है। फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस आपको निकालना है। ये चार केस दिए हैं उन्होंने। फर्स्ट केस में 350 न्यूटन एक्टिंग साउथ वेस्ट अवे। अवे मतलब उस पॉइंट से अवे, दूर जा रहा है, उसको पुल कर रहा है वो फोर्स। 350 न्यूटन एक्टिंग साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का सिचुएशन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये पहले केस का आंसर। ओके, 350 न्यूटन एक्टिंग साउथ वेस्ट अवे, राइट। तो सबसे पहले हम एक्सिस सिस्टम बना के लेते हैं। एक्स एक्स, दिस इज वाई एंड वाई, यहां पे ओरिजिन है। तो हमारा जो साउथ है वो किधर है, यहां है, नॉर्थ यहां है, वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है। तो साउथ वेस्ट की सिचुएशन है। साउथ वेस्ट मतलब दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में एक फोर्स एक्ट हो रहा है। कितना है उसका मैग्नीट्यूड, 350 न्यूटन। इतना याद रखो, साउथ वेस्ट बोला है। साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में टोटल 90 डिग्री है। तो ये फोर्स आ जाएगा सेंटर में। आप अभी चॉइस आपका है, या तो आप यहां से एंगल लो या तो यहां से लो, कहां से भी लो, लेकिन आपको 45 डिग्री लेना पड़ेगा, आधा 90 का आधा। तो ये हुआ हमारा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें एंगल मिल गया, इनडायरेक्टली एंगल बोला है उन्होंने, साउथ वेस्ट बोल दिया। तो 45 डिग्री आएगा, या तो वाई एक्सिस से लो या तो एक्स एक्सिस से लो, और उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया हमें 350 न्यूटन। अभी इसको रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करते हैं हम, द टेक्निक ऑफ रिजॉल्विंग इज, इसको एक लाइन पैरेलल बनाएंगे हम, और वाई एक्सिस को एक लाइन पैरेलल बनाएंगे हम, और पैरेलल इस साइड में नहीं जाना है, ये ऊपर साइड में नहीं जाना है। अगर ऐसे हमने शो किया समझो, तो इन दोनों के बीच में ये फोर्स नहीं आ रहा है। ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों भी उसके टूवर्ड्स ही होना चाहिए। ये गलत है, ऐसे रिजॉल्व नहीं करते हम। ओके, तो क्या हमने, अब एंगल किसके साथ है वो देखना है। एंगल वर्टिकल के साथ है, तो कॉस कंपोनेंट इसके साथ जाएगा। ये जो फोर्स है 350 कॉस 45, राइट। यहां पे एंगल इसके साथ नहीं लगाया हमने, अगर इधर लगाते तो कॉस इधर आता, ठीक है। तो ये क्या होगा, 350 साइन 45। हमने लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट पार्ट में देखा था, लास्ट न्यूमेरिकल में, कि जब 45 एंगल दोनों को आएगा तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा, जस्ट साइन सिंबल चेक करना है हमें। अभी ये समझो, ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन को हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहा है तो ये माइनस, ओरिजिन से डाउन में जा रहा है तो भी माइनस। ओके, तो इनके सिंबल तो माइनस ही आ जाएंगे। तो यहां हम आंसर लिखते हैं इसका, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स कौन सा है हमारा, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, हाँ, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल को हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स को। अब ये हॉरिजॉन्टल है हमारा, 350 साइन 45। ओके, तो वी नीड अ कैलसी हियर, 350 साइन 45। आंसर इज 247, एफ ऑफ एक्स इज 247.48 न्यूटन। ओके, तो जब ये फोर्स 350 न्यूटन इस साइड में विथ सम एंगल 45 खींच रहा है, तो हॉरिजॉन्टली अगर हम उसको खींचेंगे, अवे पुल करेंगे, तो एक्स कंपोनेंट लेगा 247.4 न्यूटन,
उसी तरह y कंपोनेंट लेगा, दैट इज 350 cos 45। जब 45 आएगा दोनों के बीच में तो ये भी सेम ही आएगा, 247.48 न्यूटन। इसके बाद हमें साइन शो करने हैं वहां पे, देखो एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे हम, 350 cos 45 इट विल सेम 247.48। अब साइन देखो, यहां से ये लेफ्ट में जा रहा है तो ये माइनस साइन आएगा, डाउन साइड में जा रहा है तो ये भी माइनस आएगा, तो हमें यहाँ माइनस लिखना है और यहाँ पे भी माइनस लिखना है। तो ये हुआ रिजोल्यूशन ऑफ दिस कंडीशन, एक केस हुआ हमारा कंप्लीट। अब दूसरा केस देखते हैं, 200 न्यूटन एक्टिंग नॉर्थ ईस्ट अवे। अब नॉर्थ ईस्ट अवे मतलब ये आएगा इनके सेंटर में विथ सम एंगल 45, राइट। मैं इसको मिटा देता हूं, दूसरे का आंसर हमें निकालना है, सेकंड केस दैट इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब कहां जाएगा वो फोर्स, किस साइड में खींच रहा है उसको, अवे है, कंडीशन अवे है, ओके। 200 एक्टिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब त्रिपुरा साइड में, आसाम त्रिपुरा, ओके। 200 न्यूटन एक्टिंग नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड केस 200 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट अवे है, मतलब पुल कर रहा है, राइट। तो ये वो हमारा एक्सिस सिस्टम, एक्स एक्स वाई वाई। अभी दिस इज वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, नॉर्थ ईस्ट बोला है हमने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, पूरा मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, नॉर्थ ईस्ट आए तो कैसे लेना है, साउथ वेस्ट आए तो कैसे लेना है। अभी एंगल नॉर्थ और ईस्ट के बीच में टोटल 90 डिग्री है, तो नॉर्थ ईस्ट सेंटर में आता है, ओके, नॉर्थ ईस्ट सेंटर में आता है। अभी एंगल में थीटा 45 डिग्री, यहां से भी ले सकता हूँ, यहां से भी ले सकता हूँ, आप कैसे भी लो, लेकिन जिसके साथ एंगल लेंगे कॉस उसी के साथ जाएगा, कॉस उसी के साथ जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना है, 200 न्यूटन, ओके। तो ये 200 यहां लिखेंगे, 200 कॉस, अभी हॉरिजेंटल के साथ एंगल हॉरिजेंटल के साथ है तो कॉस इसके साथ ही आएगा, कॉस अगेन 45, 200 साइन 45, इसके साथ एंगल नहीं है तो साइन 45। तो एक ही कैलकुलेट करो, दूसरा सेम आएगा, 200 cos 45, जो वैल्यू मिलेगा हमें 141। तो यहां लिखता हूं मैं f ऑफ x, f ऑफ x मतलब क्या है, हॉरिजेंटल फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, ये अलोंग x डायरेक्शन है, कितना है 200 cos 45, तो कितना मिला हमें 141.42 न्यूटन। अब डायरेक्शन देखो इसका राइट में जा रहा है, उसका डायरेक्शन राइट में है तो प्लस, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 200 साइन 45, अप में जा रहा है तो प्लस, डाउन में जा रहा है तो माइनस, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस, ये अप में जा रहा है तो भी प्लस, सेम आएगा 141.42 न्यूटन एफ ऑफ वाई, ठीक है। पहले क्वेश्चन को आपको एक मार्क मिलेगा, चार केस है तो चार मार्क, अभी इसको एक मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। ये सिंबल प्लस है, ये सिंबल प्लस है, जो आंसर आएगा उसको आप इसे बॉक्स बनाते जाओ तो एग्जामिनर को आसान जाएगा कि आंसर तुम्हारा क्या है एग्जैक्ट, ओके। तो ये सेकंड केस हो गया, ठीक है। इसमें नॉर्थ ईस्ट कंडीशन था, पहले साउथ वेस्ट था, साउथ वेस्ट मतलब ये सेंटर पे आते हैं, इतना याद रखो, जब भी सेंटर पे आते हैं एंगल 45 होगा तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, शायद साइन कन्वेंशन चेंज हो सकता है, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जो भी है अकॉर्डिंग टू अवर लॉ, अप में जाएगा तो प्लस, राइट में जाएगा तो प्लस। अब ये हो गया, तीसरा केस देखते हैं, व्हाट इज थर्ड केस। थर्ड केस इज 40 न्यूटन एक्टिंग 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखो, This is x x y y, okay।
नाउ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ. 40 न्यूटन एक्टिंग. थर्ड केस है ये, एक्टिंग 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. वेस्ट ऑफ साउथ अवे. हर केस में अवे लिखा है. अवे मतलब इस पॉइंट से अवे. टुवर्ड्स मतलब इसके टुवर्ड्स आएगा डायरेक्शन. ओके, तो या अवे लिखा है. देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, अवे मतलब ये वो अवे का सिचुएशन. टुवर्ड्स मतलब ये हुआ टूवर्ड्स का सिचुएशन, मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है. जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ, साइन कन्वेंशन चेंज होता है. याद रखो आप साइन कन्वेंशन को नहीं भूलना. तो ये वही हमारा एक्सिस सिस्टम एंड डायरेक्शन भी शो किया हमने कहाँ क्या है. अब 40 न्यूटन एक्टिंग 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. अभी साउथ कहाँ है हमारा, चेन्नई नीचे. साउथ को वेस्ट साइड में 40 डिग्री दिया है. अब साउथ के लेफ्ट साइड में वेस्ट है, राइट साइड में ईस्ट है. तो साउथ को अगर एंगल शो करना है तो आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि वो वेस्ट साइड में एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ईस्ट साइड में एंगल है. तो उन्होंने बोला वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब वेस्ट साइड में एंगल है साउथ को. साउथ को वेस्ट साइड में एंगल है 40 डिग्री. ओके, तो अभी यहाँ सेंटर में नहीं आएगा फोर्स तुम्हारा, 40 डिग्री, 5 डिग्री से नीचे आ गया ये 40 डिग्री. ये हो गया हमारा थीटा, राइट. अब इसको रिजॉल्व करना है आपको, कितना है इसका मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन. कैसे रिजॉल्व करते हैं इसको, हॉरिजेंटल लाइन एक बनाना है पैरेलल, और इसको वर्टिकली पैरेलल लाइन बनाना है. अभी कॉस कंपोनेंट किसके साथ जा रहा है, वर्टिकल के साथ. तो ये होगा 40 cos 40, ये होगा 40 sin 40. ओके, तो यहां लिखता हूं मैं आंसर, एफ ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, एक्स एक्सिस पे कौन सा है, ये 40 sin 40, एफ ऑफ एक्स. साइन कन्वेंशन शो करो, लेफ्ट में जा रहे तो माइनस, डाउन में जा रहे तो भी माइनस. थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होते हैं. अभी ये माइनस में आएगा वैल्यू, राइट. 40 sin 40, ट्वेंटी फाइव न्यूटन. ये हुआ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ वाई 40 cos 40. अभी सेम नहीं आएंगे, थोड़ा डिफरेंट आएगा. सिर्फ 45 एंगल पे सेम आते हैं. 30 पॉइंट माइनस में, ये भी माइनस में, 30.64 न्यूटन. ओके, ये हो गया थर्ड केस का रिजोल्यूशन ऑफ दिस फोर्स. रिजोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इनटू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. ऑर्थोगोनल कैसे हो गए, इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के बीच में 90 डिग्री. सो ये ऑर्थोगोनल हो गया. तो दोनों माइनस में वैल्यू आए, माइनस सिंबल शो करना है आपको, नहीं तो मार्क्स कटेंगे. ये तीसरा केस हुआ. अब फोर्थ केस देखते हैं. फोर्थ केस में 40 न्यूटन एक्टिंग ड्यू साउथ. अभी ये याद रखना होगा आपको, साउथ किस साइड में है. आपने अगर गड़बड़ कर दिया तो सब गड़बड़ होगा, है ना. फोर्थ केस इज 400 न्यूटन एक्टिंग, सी यर 400 न्यूटन एक्टिंग ड्यू साउथ अवे है. ये भी पॉइंट से अवे, दूर जा रहा है, ठीक है. तो अगेन वी हैव टू मेक एक्सिस सिस्टम, एक्स एक्स वाई वाई. इधर क्या है, वेस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, राइट में ईस्ट, अप में नॉर्थ, डाउन में साउथ. अब ड्यू साउथ मतलब नीचे जा रहा है, साउथ के ऊपर है, एग्जैक्ट उसी एक्सिस पे है. 400 न्यूटन एक्टिंग ड्यू साउथ अवे. अवे मतलब पॉइंट से पुल कर रहा है वो. कितना है मैग्नीट्यूड उसका, 400 न्यूटन. अभी ये आसान है, जब भी वो फोर्सेस इंक्लाइंड होंगे,
सेंटर में आएंगे किधर भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा विथ सम एंगल, तो वो हट जाता है। अब ये एक्सिस पे ही है, एक्सिस पे आएगा तो क्या करना है, सिंपल है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस पे हॉरिजेंटल फोर्स कहीं पे है क्या, या तो एक्स एक्सिस पे या कहीं पे भी हॉरिजेंटल फोर्स है क्या, ये देखना है हमें। तो एफ ऑफ एक्स विल बी जीरो, नहीं है कहीं पे भी फोर्स नहीं है। एफ ऑफ वाई हमें ये चेक करना है, अलोंग हॉरिजेंटल, अलोंग वर्टिकल और ऑन वाई एक्सिस इज देयर एनी फोर्स अवेलेबल, है क्या, है, यहाँ एक फोर्स है वाई एक्सिस पे 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। अब ये डाउन साइड में जा रहा है, अवे है, अवे फ्रॉम साउथ, मतलब साउथ की साइड में अवे है पॉइंट, नीचे जा रहा है, तो माइनस, तो ये -400 आएगा। ओके, ये हो गया चार सिचुएशन चार मार्क्स के लिए। तो एक ही प्रॉब्लम में हमने अलग अलग चार सिचुएशन देखा, तो उसको और एक बार देखो, नहीं समझ में आया तो आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।